हेलो हाय नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिजडम की खास सीरीज म्यूचुअल फंड सिंपल है में। जब से T20 क्रिकेट आया है ना, और खासकर IPL बढ़ा हुआ है, तब से क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर की पूछ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर टीम को एक हार्दिक पांड्या चाहिए जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही कर सके। कुछ ऐसा ही हाल म्यूचुअल फंड में भी है। जब भी शेयर बाजार में उठा पटक बढ़ती है तो लोगों को फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप ज्यादा पसंद आने लगता है। इस तरह के फंड की पूछ एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड वो फंड हैं जो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में से किसी एक में नहीं बल्कि सब में पैसा लगाता है, यानी इसका एक्सपोजर सब में होता है। मतलब ये कि ये इक्विटी फंड का ऑलराउंडर है। आपको हम फंड की कैटेगरी जैसे लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के बारे में पहले ही बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ ऊपर में फ्लैश हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी जरूर देख लीजिए। तो लार्ज कैप फंड का निवेश लार्ज कैप स्टॉक यानी बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है। मिड कैप फंड में मिड कैप स्टॉक में यानी मझोली कंपनियों में निवेश किया जाता है, और स्मॉल कैप में निवेश छोटी कंपनियों में होता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ लार्ज कैप या सिर्फ मिड कैप या सिर्फ स्मॉल कैप में पैसे ना लगाना हो बल्कि थोड़ा थोड़ा सब चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों का फायदा मिले और किसी एक कैप में गिरावट होने पर आपके रिटर्न पर ज्यादा असर ना पड़े, यानी आपका निवेश डाइवर्सिफाइड हो, तो आपके पास दो ऑलराउंडर्स का विकल्प है, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। देखिए, 2017 अक्टूबर में जब सेबी ने म्यूचुअल फंड की कैटेगरी बनाई तो उसमें एक था मल्टी कैप। फंड हाउस को कहा गया कि इस कैटेगरी में आपको पूरे एसेट का कम से कम 65% इक्विटी में लगाना होगा, लेकिन सेबी ने ये नहीं कहा कि इसमें कितना परसेंट लार्ज कैप, कितना परसेंट मिड कैप और कितना परसेंट स्मॉल कैप में लगाना होगा। ये छोड़ दिया गया फंड मैनेजर के ऊपर। रिजल्ट ये हुआ कि फंड मैनेजर इक्विटी के नाम पर ज्यादा निवेश 50-75% तक निवेश लार्ज कैप में करते थे। ठीक वैसे ही जैसे सचिन तेंदुलकर जैसे एक बड़े बैट्समैन को ऑलराउंडर बताया जा रहा हो। हाँ, सही है कि सचिन से कभी कभी बॉलिंग भी करवा ली जाती थी, और एक बार तो उन्होंने वनडे मैच में 32 रन पर 5 विकेट भी लिए थे। लेकिन सचिन तो बैट्समैन थे ना, ऑलराउंडर के नाम पर उसके जैसे बैट्समैन को टीम में तो नहीं भर सकते। तो मल्टी कैप अधिकतर मामलों में लार्ज कैप से भरे थे, यानी वो एक तरह से लार्ज कैप फंड ही बन गए थे। सेबी को ये बात समझ में आ गया कि भाई सही मायने में तो ये मल्टी कैप नहीं हुआ, तो उसने 11 सितंबर 2020 को एक सर्कुलर जारी करके कहा कि सुनिए फंड हाउसेस जी, आप लोग अपने अपने मल्टी कैप में से ना कम से कम 75% इक्विटी में निवेश करने की आपको अब मैं दे रहा हूं इजाजत, लेकिन पूरे निवेश में 25-25% निवेश लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में करना ही होगा। और कहा कि ये बदलाव आपको अपने एग्जिस्टिंग मल्टी कैप फंड में जनवरी 2021 तक करना होगा। अब इस सर्कुलर के बाद AMCs में खलबली मच गई। इतने कम वक्त में कैसे पूरे पोर्टफोलियो को बदला जाएगा भाई? सभी ने सेबी को दिक्कत बताई, तो सेबी ने 6 नवंबर 2020 को एक और सर्कुलर जारी किया। उसमें कहा कि मल्टी कैप के लिए जो नया नियम बनाया गया था वो तो बना रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होना, लेकिन साथ ही एक नई कैटेगरी लॉन्च कर दी जिसे कहा गया फ्लेक्सी कैप। और जो मैंडेट 2017 के सर्कुलर में मल्टी कैप के लिए था, वही इस नए फ्लेक्सी कैप के लिए लागू किया गया। सेबी ने फंड हाउस से कहा कि आप चाहे तो अपने मल्टी कैप को फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बस अधिकतर फंड हाउसेस ने अपने मल्टी कैप का नया नामकरण कर दिया, जैसे HDFC मल्टी कैप बन गया HDFC फ्लेक्सी कैप, SBI मल्टी कैप का नया नाम हो गया SBI फ्लेक्सी कैप फंड, और पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि कुछ फंड हाउस ने अपने मल्टी कैप फंड में नए नियम 25-25% एलोकेशन इन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के मुताबिक बदलाव करके उसे ही जारी रखा, जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप, सुंदरम मल्टी कैप, और कुछ फंड हाउस ने मल्टी कैप कैटेगरी के तहत फंड भी लॉन्च कर दिए, जैसे एक्सिस मल्टी कैप। कुछ ने पुराने मल्टी कैप का नामकरण फ्लेक्सी कैप के तहत करके नया मल्टी कैप भी लॉन्च कर दिया, जैसे SBI मल्टी कैप, HDFC मल्टी कैप। तो ये अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि आपको ऑलराउंडर चाहिए तो आपके पास दो विकल्प है। सवाल ये कि अगर निवेश करना है तो किस में करें, फ्लेक्सी कैप में या फिर मल्टी कैप में? पहले फ्लेक्सी कैप के बारे में बात समझिए। ये पुराने मल्टी कैप है।
क्योंकि ये पुराने हैं तो अधिकतर फ्लेक्सी कैप का लंबे वक्त का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। लेकिन 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 इनके पोर्टफोलियो में आज भी लार्ज कैप पर ज्यादा फोकस होता है। जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त तक HDFC फ्लेक्सी कैप में 81.07% निवेश लार्ज कैप में है, DSP फ्लेक्सी कैप में 61.61% निवेश लार्ज कैप में है। तो अगर आप इस तरह के एलोकेशन से कंफर्टेबल हैं, तो ये आपके लिए। वही मल्टी कैप में कुल 14 मल्टी कैप फंड है फिलहाल, जिसमें से 6 मल्टी कैप सेबी के नवंबर 2020 वाले सर्कुलर के बाद लॉन्च हुए हैं। बाकी 8 हालांकि पहले लॉन्च हुए लेकिन जनवरी 2021 से वो नए मैंडेट के तहत निवेश कर रहे हैं, तो वो एक बेहतर एसेट एलोकेशन तो देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन रियल सेंस में उनका ट्रैक रिकॉर्ड 1.5 साल का ही है, जो फंड की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे में सही मल्टी कैप फंड चुनना एक बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है। तो अगर आपको अपने फंड में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में बराबर का एलोकेशन चाहिए तो आपके लिए होगा मल्टी कैप, लेकिन ध्यान रहे इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत पुराना नहीं मिलेगा आपको। आज के लिए फिलहाल इतना ही। म्यूचुअल फंड को चुनने का सही तरीका क्या है और आप कैसे अपने लिए सही फंड चुन सकते हैं, इस पर भी एक एपिसोड लेकर हम बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो आपसे मिलते हैं विजडम की खास सीरीज म्यूचुअल फंड सिंपल है के अगले एपिसोड में।